आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पहले मंत्री परिषद की बैठक हुई और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई इस बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए सांसद मंत्री और अनेक लोगों का ये मानना था कि हम हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व की शुरुआत खुद से करें और इसलिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एक कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया जिसके तहत सांसदों की तीस फीसदी तनखा एक साल भर के लिए कम होगा सभी सांसद तीस परसेंट का एक तरह से कट ले रहे हैं लेकिन वो कानून में करना पड़ता है तो कानून कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा तो सभी एम ऑल एम और प्रधानमंत्री स्वयं प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद इन सब ने अपने वेतन का ही तीस फीसदी एक साल न लेने का फैसला एक सामाजिक उत्तरदायित्व तो जो है देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया सर्वसम्मति से बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसमें सबका सब ने बहुत अच्छी तरह से भावनाएं प्रकट की इसके साथ साथ मुझे खुशी है कि देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सबने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में तीस फीसदी कटौती करने का लिए पत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्री, मंत्री सांसद भी एक साल के लिए तीस फीसदी वेतन कम लेंगे वैसे ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सभी भी तीस फीसदी स्वेच्छा से वहाँ कानून का मुद्दा नहीं है क्योंकि उनके सैलरीज के आने अलग अलग कानून हैं उसको ऑर्डिनेंस करना ठीक नहीं होता तो इसलिए उनकी ही स्वेच्छा से उनके रिक्वेस्ट पर ये किया जा रहा है मुझे लगता है लोकतंत्र में लोक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व यह बहुत महत्वपूर्ण होता है और उस उत्तरदायित्व की भावना को बहुत अच्छा बल देने वाला ये निर्णय है और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसमें जाएगा तो ये भी बताना चाहता हूं। दूसरा एक निर्णय हुआ आपको मालूम है अनेक सांसदों ने अपने सांसद निधि से कोविड के उपायों के लिए जितना भी काम चल रहा है उसके लिए एक एक करोड़ रुपए देने की पहल की थी लेकिन बाद में अनेक सांसदों का यह कहना था कि ये पूरी अगर व्यवस्था करनी है तो इसलिए एम पी लैड को अब दो साल दो साल के लिए स्थगित किया जाएगा यानी बीस इक्कीस और इक्कीस बाईस और हर सांसद के जो दो वर्ष के सांसद निधि है वो दस दस करोड़ रुपए, वो भी देश के कंसोलिडेटेड फंड में जमा होंगे मुझे लगता है ये दोनों पहल बहुत अहम है क्योंकि इस पहल का मतलब होता है कि खुद से शुरुआत करो और खुद से शुरुआत करने के बाद जो सांसद निधि का भी एक सरकार जिस तरह से लगी है पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये सभी को सरकार के जो सारे प्रयास चल रहे हैं कोविड को हराने के उसके लिए निश्चित रूप से ये दोनों निर्णय एक दिशा देने वाले और महत्वपूर्ण तो साबित होंगे तो ये आज दो निर्णय लिए हैं जैसा मैंने कहा कि सांसदों के सांसद निधि का पूरी रकम लगभग 7,900 करोड़ रुपए होती है दो साल की तो वो रकम कंसोलिडेटेड फंड में जाएगी तो यही आज दो महत्वपूर्ण निर्णय है कल का देशभर में जिस प्रधानमंत्री के अपील पर जिस तरह देश ने अपनी मोहर लगाई और कोरोना से लड़ने का संकल्प किया पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ मुझे लगता है ऐसी भीषण लड़ाई में इस तरह का देश का एक आना लोग जागरूक होना और लोग उसमें मन से सहभागी होना ये बहुत अहम बातें होती है और इससे देश का ये कार्यक्रम दुनिया भर में जिसकी चर्चा हो रही है और ये कल का कार्यक्रम का भी मंत्रियों ने अपने अपने एरिया के अनुभव और प्रत्यक्ष बताए <coughs> मेरे तरफ से इतना ही है कोई सवाल है तो? कमल जस्ट यूज एक मिनट क्या वन ईयर सर वॉज एंड ऑफ लॉकडाउन वॉज डिस्कस्ड बाई एनी चांस ड्यूरिंग दिस कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हैं और अभी दुनिया में रोज स्थिति जो बदल रही है उसका अध्ययन कंटिन्यू स्तर पर होगा और मेरे प्रेस के बाद तुरंत यही रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कोरोना के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी तो ये अब ये हो गया कि वो अब निरस्त हो गया क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कोविड के लिए ही एक तरह से जा रहा है तो उसके कोविड का जो संकट है उससे देश की जो लड़ाई चल रही है राज्य और केंद्र मिलकर और स्थानिक प्रशासन मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता पूरी साथ है इसमें सांसद और मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे राज्यपाल उसी भावना में शामिल होकर अगर यह निर्णय करते हैं तो इसीलिए मैंने कहा यह एक ऐतिहासिक शुरुआत है एक या। एक, एक, तो, कर, एक, एक करके बोलिएगा ऐसा है राज्यों का निर्णय राज्यों को करना पड़ता है क्योंकि उनके कानून होते हैं हर जगह वो अलग अलग है तो राज्यों की तनख्वाह भी अलग होती है राज्यों का जो विधायक निधि होता है वो भी अलग होता है उसके बारे में वही निर्णय करेंगे और आप पूछेंगे ही और वो भी बताएंगे एक मिनट प्लीज यूज माइक यूज रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से सात हजार नौ सौ करोड़ आपने कहा कि कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा तो सिर्फ एमपी लैड का है या टोटल अमाउंट साठ का एमपी लैंड टोटल टोटल अमाउंट कितना लगभग ऐसा है टोटल अमाउंट का मुद्दा नहीं इसके में भावना का मुद्दा महत्वपूर्ण है आप समझ लीजिए भारत ने गरीब कल्याण योजना में ही लाखों करोड़ रुपए का जैसे आपको मालूम है एक लाख सत्तर हजार करोड़ का तो एक पैकेज गरीब कल्याण के नाम पे घोषित किया लेकिन जो उद्योगों को जो कि बाकी सारे घटकों को समाज के जो Uh, सहूलतें दी है उसकी भी बहुत बड़ी कीमत है और जो आर्थिक निर्णय वित्तीय निर्णय किए हैं उससे भी साढ़े तीन लाख करोड़ रुपया एक लिक्विडिटी बढ़ाने का काम भी किया है तो बहुत बड़े फैसले सरकार ले रही है और सरकार जब फैसले लेती है तो इसमें मुद्दा भावना का है हमसे शुरुआत करें खुद से शुरुआत करें यह इसकी भावना है सर ऋतु फ्रॉम सी एन बी सी uh, एक दिन पीछे uh, सर uh, आपने बोला दो साल के लिए एमपी लैड्स का ये डिसीजन लिया गया है कौन से ये दो साल है एफ आई ट्वेंटी और इक्कीस बाईस दो फाइनेंशियल सो आई विल जस्ट गिव टू मिनट ब्रीफ इन इंग्लिश सो दैट यू गेट ए कम बाइट टुडे टूडे कैबिनेट मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी before the cabinet there was meeting of council of ministers and there also covid related issues and experiences were shared in the cabinet meeting two important and milestone decisions have been taken because all mps were feeling all ministers were feeling prime minister himself Everybody wanted to start charity begins at home. So it should start from self. And therefore, we have decided for an ordinance because it's a legal requirement, because it's a law under which we get our salary. And therefore, that law needs to be amended so there will be 30% cut by in the salaries of prime minister of ministers of members of parliament for the whole year of 2021 so for 12 months this will take place and second in a second decision the mp lad because many Parliament members had given their MPLADs for this work. So instead of piecemeal, a comprehensive decision has been taken to suspend the MPLAD, that is Local Area Development Fund of Members of Parliament, will be suspended, will remain suspended for next two years, that is 2021 and 21st 22nd and this is the very good beginning and i am happy to also share with you that the president vice president governors have also on their own volition they have also given the letters

And will this be applicable to basic salary or allowances also? As I said, it's not about savings. We have made announcements of, to deal with the COVID you know, of lakhs of crore of rupees. So, seeing that, this will not be the big amount. The um, issue is the message it sent to the country the will of the members of parliament which is reflected in that and therefore this gives right signal to all concerned and this is more important so uh, minute. Minute. Come on. Yes, come on. use mic yeah. is that one of the which have been kept open already central government employees have given one day salary on their own but this is for members of parliament we are not we are passing and today we have passed ordinance for members of parliament and president vice president and governors have given on their own letters to cut their salaries english, you have already answered this. Uh, what is the government's thinking now on the lockdown issue? because there, there is a concern in some parts of the country that As lockdown. You know, after my press conference, there will be the daily briefing on the covid issue, so you can raise, but you know the process. we are monitoring world situation every minute, practically every minute. and therefore, decisions are taken. Ultimately, in the nation's and people's interest. We have to win this war and we have to finally ensure that the COVID goes. And therefore, that decision will be declared whenever the right time is there. And press conference after me will give you more details. Thank you very much, sir. Thank you, friends. Yes. अगर हम कल से आज तक में देखें तो एडिशनल 472 नए केसेस आए हैं अब तक टोटल 79 नाइन डेथ रिपोर्ट हुई हैं और कल से और आज तक में देखें तो 11 एडिशनल डेथ रिपोर्ट हुई हैं साथ ही 267 हंड्रेड सिक्सटी सेवन